बिजनेस पार्ट के उन मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस पार्ट 1। जैसे कि व्यवसाय के व्यापक वातावरण में उन गतिविधियों को मतलब सम्मिलित किया जाता है जिनका विशिष्ट घटकों की तुलना में नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए व्यवसाय द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जाना बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही मतलब आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है। सो फ्रेंड्स, निम्नलिखित शक्तियां व्यापक पर्यावरण के अंतर्गत आती है जो मैं आपको मतलब बताती हूँ, जैसे कि आर्थिक पर्यावरण जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। भारत में जैसे ब्रिटिश शासन से पूर्व आर्थिक पर्यावरण अधिक उन्नत एवं अच्छा था, मतलब जब तक हमारे इंडिया में अंग्रेजों का मतलब पूरी तरह से अधीनता नहीं थी तो यहाँ की जो भी मतलब जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था। देश में कृषि की प्रधानता भी थी, खदानी की पर्याप्त मात्रा में पैदावार भी होती थी और हस्तकला और या लघु उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में थे और इनका वस्तुएं जो भी इनकी वस्तुएं इनसे रिलेटेड जो भी मतलब मैन्युफैक्चर्ड होती थी वो दूर दूर तक विदेशों को नियंत्रित की जाती थी। फिर क्या होता है कि मतलब जहाज चलानी व्यवसाय काफ़ी उन्नतशील अवस्था में था और इसका विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन ब्रिटिश शासन के आते ही देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया, वो मतलब पूरी तरह से रुक गया, जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अवस्था में आ गई। फिर जब हम जब भारत मतलब आज़ाद हुआ तो उसके पहले और उसके बाद देश के आर्थिक पर्यावरण को निम्न प्रकार मतलब मैं आपको दर्शा रही हूँ, मैं आपको नोटिफाई कराती हूँ। जैसे बिफोर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, पहला तो जैसे ब्रिटिश हित में सरकारी नीति की स्वतंत्रता से पहले इंडिया में जो आपका जो मतलब फॉरेन का जो भी फॉरेनर्स के जो भी मतलब शासन लगभग 200 सालों से स्थापित रहा है और इस काल में उन्होंने ब्रिटिश हितों का पोषण करने वाली व्यापारिक नीतियां ही बनाई और इससे ब्रिटिश शासन को अधिकाधिक लाभ मिला, क्योंकि वो लोग हम पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, जिसमें वो मतलब आगे के स्टेज पे आते आते वो फेल हो चुके और हम लोग हमारा भारत जो है आज आज़ाद हो गया है। फिर उसके बाद सरकार की निष्क्रियता एवं उद्योगों का पतन, लाइक इनएक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड फेल्यूर ऑफ इंडस्ट्री, कि ब्रिटिश जो शासन काल में भारत के परंपरागत उद्योगों का पतन होता रहा परंतु सरकार इस ओर निष्क्रिय बनी रही, उसने ना तो स्थापित उद्योगों का को बचाने के लिए कोई कोशिश किया ना ही नवीन उद्योगों की स्थापना में मतलब कोई रुचि दिखाई। फिर जो तीसरा है वो कृषि पर ध्यान न देना, अटेंशन मतलब नो अटेंशन टू एग्रीकल्चर। तो जैसे तीसरा पार्ट है ये कि इसमें भारत में जो परंपरागत उद्योगों के पतन के कारण जनसंख्या का दबाव जो भी पॉपुलेशन थी वो कृषि पर मतलब बहुत तेजी गति से बढ़ा, जिसे कृषि में उपविभाजन व अपखंडन की गंभीरता संपन्न हुई और खेत छोटे छोटे होते ही चले गए, बटने स्टार्ट हो चुके, उस पर मतलब जो भी जो हाई कैटेगरी के लोग आते थे उस पर वो अपना कर टैक्स मतलब वो वाजिब कर दिए। फिर उसके बाद दूसरी ओर कृषि के सुधार हेतु सरकार ने कोई रुचि नहीं ली, जिस वजह से वो दिन मतलब डे बाई डे वो लोग मतलब अर्थव्यवस्था उनकी खराब होती चली गई। उसने ना तो कोई उपकरणों खाद या अच्छे बीजों को उपलब्ध कराने के लिए कोई अपनी कोशिश हुई थी जद्दोजहद को मतलब जाहिर किया, ना ही सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही जो जमींदार प्रथा भी थी वो लागू कर दी, जिससे मतलब जमींदार कृषकों को बेदखल करने लगे और जिससे फिर किसान जो है वो कृषि से दूर भागने लगे, क्योंकि भाई इतने सारे टैक्स और कर को पे करते करते आदमी मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं कि जब हम इतना हमारी इनकम में नहीं आ पाएगा पर एनम तो हम उसको मतलब उसको देंगे कहाँ से। तो उन लोगों के पास ऐसी मतलब एबिलिटी तो थी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मतलब उनको इस तरह मतलब उनको रोटेट उनके लाइफ में इस तरह मतलब उनको उलझा दिया गया कि आपको कर देना है, आपको टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है और आप ही जो मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का आपको एक चौथाई में से केवल एक हिस्सा आपको लेना है, तीन हिस्सा आपको जो भी मतलब बाकी की सारी चीज़ों पे जो आपको कर अदायगी देनी होती है वो आपको पे करना होता है। तो इस वजह से वो लोग मतलब इन सारी चीज़ों से पीछे होते चले गए और यहाँ पर पावर्टी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो आज के इस बिजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और लोगों की इस तरह के मतलब माइंडसेट के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अपना मतलब फ्रीडम, एवरी पर्सन हैज टू मतलब फ्रीडम टू चूज, सभी इंसान को, सभी शख्स को, सभी बंदे को अपने पसंद का कारोबार व्यवसाय या कोई भी काम चुनने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हो चुका है। तो जब भारत आपका आज़ाद है तो यहाँ का हर एक व्यक्ति आज़ाद है। तो इस
इसीलिए वो अपने पसंद का काम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग चुन सकता है। तो यही सारी चीज को देखते हुए कॉर्पोक हैज इंस्टीट्यूट व्हिच कंडक्ट अ कोर्स कॉल्ड CCM, जो कि आपको एक कोर्स कंडक्ट करा रहा है। CCM दैट मींस सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 6 months। ये कोर्स ऐसा है कि अगर आपका अभी तक माइंडसेट क्लियर नहीं है या कोई टारगेट मिशन विजन गोल सेट नहीं है, तो क्लियर कट माइंडसेट कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इसमें अपनी एबिलिटी को अपने पोटेंशियल्स को आप रिनेट कर सकते हैं। सेट बना करके एक मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है उसमें आप अगर आपने मतलब जो भी आप है अगर उसको शो करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से आपने जिंदगी की ऊंचाइयों को हाई क्लाइम कर सकते हैं और अपनी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नई पहचान बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज भी आपके बीच के ही लोग कुछ ऐसे होंगे जो हाई एजुकेटेड हाई क्वालिफाइड हैं लेकिन वो कहीं प्लेस्ड नहीं है, या तो उन्हें उनकी लाइफ में वो मुकाम या वो मतलब वैसा गाइडलाइन वैसी मतलब जो होता है कि मतलब बेटर मतलब वो गाइडेंस और बेटर मतलब वे नहीं मिल पाता है कि वो डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके के लोग बीच के कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है और जिनसे कम क्वालिफाइड लोग होते हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या जिन्हें मिलती है उन्हें अवेयरनेस ना होने की वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से वो उनको मतलब उनको क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो CCM आपको एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ आप कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अपने अगर हुनर को अपनी स्किल्स को अगर एक्सप्रेस करता है उसको शो करता है तो ये आपके लाइफ की एक आपके लाइफ में इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी नई पहचान बनाता है। सो फ्रेंड्स आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप कोई आपके लिए गोल्डन चांस है। थैंक यू सो मच एंड गेट अहेड इन योर न्यू करियर।